वेलकम टू सबनास किचन। आज हम बनाएंगे गुजराती रवैयानु साग। इसे भरवा बैंगन भी कहते हैं। इसमें हम बेबी बैंगन को स्पाइसी पीनट मसाले से स्टफ करते हैं। इसमें मैंने लिए है 500 ग्राम छोटे बैंगन। इसमें हम पर्पल छोटे फ्रेश बैंगन जूस करेंगे, जिससे रवैया की सब्जी बहुत अच्छी बनती है। अब स्टफिंग के लिए पहले हम पीनट मसाला रेडी कर लेंगे। इसके लिए मैंने लिए है 100 ग्राम भुने हुए चने। पहले हम इसके इस तरह से छिलके निकाल लेंगे। ऐसे मैंने सभी चनों के छिलके निकाल लिए। आप भुने चने की जगह पर दारिये भी ले सकते हैं। ये मैंने 100 ग्राम सीके हुए मूंगफली के दाने लिए हैं। इसके भी मैंने ऐसे हाथों से मसल के छिलके निकाल लिए। अब चने और मूंगफली के दाने दोनों को ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह से मैंने दोनों को ग्राइंड कर लिया। इसको ऐसे में एयर टाइट जार में स्टोर करके फ्रिज में रख लेती हूँ। 1.5-2 महीने के लिए ये मसाला ऐसे ही फ्रेश रहता है। आपको कोई भी स्टफ्ड सब्जी बनाना हो तो इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। अब हम बैंगन के स्टफिंग के लिए मसाला रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने 4 टेबलस्पून पीनट का मसाला जो ग्राइंड करके रखा है वो लिया है। अब उसमें अपने स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। अब उसमें डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून हरी मिर्च और अदरक लहसुन की पेस्ट, 2 टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ये मैंने 2 टीस्पून ड्राई नारियल का छीन लिया है। आप फ्रेश कोकोनट भी यूज कर सकते हैं। और 2 टीस्पून सफ़ेद तिल लिए हैं। अब हम सफ़ेद तिल और किसा हुआ नारियल दोनों को ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। ऐसे ग्राइंड कर लिया। और हरा धनिया और हरा लहसुन ऐसे बारीक काट लिया। अब हमने जो तिल और नारियल ग्राइंड करके रखा हुआ है उसको पहले जो सब मसाले लिए थे उसमें डाल देंगे। अब उसमें हम डालेंगे चॉप्ड किया हुआ हरा लहसुन और हरा धनिया। अब ये सब मसालों को पहले स्पून से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर बाद में उसको हाथों से ऐसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। हाथों से प्रेस करके मिलाने से मसाला ऐसे अच्छी तरह से मिल जाता है। ये स्टफिंग के लिए मसाला बनके रेडी हो गया। अब बैंगन को अच्छी तरह से वॉश करके ऐसे पानी में रख लेंगे। बैंगन के ग्रीन छिलके को इस तरह से काट लेना है और ऊपर की तरफ से ऐसे 4 कट लगाना है। इस तरह से मसाला और बैंगन दोनों रेडी हो गए। अब मसाले को बैंगन में इस तरह से भर लेना है। मसाला जरा दबा के भरना है अंदर। ऐसे सब बैंगन हमने स्टफ्ड कर लिए हैं। अब एक पैन में हम 4 टेबलस्पून ऑयल गरम करेंगे। रवैया बनाने के लिए थोड़ा ऑयल ज़्यादा चाहिए। अब ऑयल गरम होने के बाद उसमें स्टफ बैंगन डाल देंगे।
अब पॉट का ढक्कन ढक के उसको 3-4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने रख देंगे और साइड चेंज करके फिर से उसको 3-4 मिनट के लिए ऐसे भुनेंगे। अब उसमें हम 2 ग्लास पानी डालेंगे। और जो मसाला बचा हुआ है उसको भी उसमें डाल देंगे और पॉट को कवर करके उसको मीडियम फ्लेम पे पकने रख देंगे। याद रहे कि उसको हल्के हाथ से ही स्टर करना है। उसमें से ऑयल सेपरेट हो और बैंगन पक जाए वहाँ तक उसको पकाना है। ये हमारे भरवा बैंगन बनके रेडी हो गए। अब उसको हम हरे धनिया से गार्निश कर देंगे। ये भरेला रवैया नो साग हम गरम फुलका रोटी और सिंपल ऑनियन एंड टोमेटो सलाद के साथ सर्व करते हैं। ये भरवा बैंगन बहुत टेस्टी लगते हैं। हमने जो पीनट का मसाला बनाया है वो ऑनियंस, भिंडी, चिली, कैप्सिकम, करेले सब सब्जी में स्टफ्ड करने के लिए यूज़ में आता है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें।